गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को लेकर। मैं कंपटीशन एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर बहुत मस्त होंगे और तैयारियां अपनी जारी रखे होंगे। जैसा कि हम पिछली क्लास में रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में पढ़े थे, आज उसी पर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आज हमारा टॉपिक होने वाला है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने की, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में ही की थी। और इसमें जो इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, वो कैसे पूर्ण होता है। तो देरी ना करते हुए अगर आपने पिछली वीडियो देख ली है तो उसके आधार पर आप इस वीडियो के प्रश्न हल कर सकते हैं। नहीं देखे हैं तो जाइए और उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर इस प्रश्न की श्रृंखला को सॉल्व करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक में रासायनिक अभिक्रिया को लेकर पूछे जाने वाले प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम के रिबन का दहन किया जाता है, किसके रिबन का, मैग्नीशियम के रिबन का, तब वो किस में परिवर्तित होता है। तो ऑक्सीजन का जब मैग्नीशियम से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा दोस्तों, Mg+O2 रिएक्ट करके बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो किस में परिवर्तित होगा दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, क्योंकि किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। बहुत से सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न पर हम ज्यादा समय नहीं ले सकते। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन का लक्षण क्या है, कि अवस्था में परिवर्तन होता है, बिल्कुल। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, तो अभी आपकी अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में भी परिवर्तन होगा और तापमान में भी परिवर्तन होता है, तभी तो अभिक्रिया संपन्न होगी। चौथा स्टेटमेंट, गैस का उत्सर्जन होगा, तो बिल्कुल, दहन करने के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात सभी पे हम देखते हैं कि एक नई गैस का उत्सर्जन भी होता है, तो इसमें सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में, ताप में, गैस में, रंग में, सभी में परिवर्तन होता है। चलिए दोस्तों नए प्रश्न पर चलते हैं। कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है, क्या इक्वेशन में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर के निशान लगाकर दर्शाया जाता है, तो बिल्कुल दोस्तों, जो अभिकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित होता है, तो वहां पे आप एरो का साइन रिएक्ट करते हो कि किसका परिवर्तन किसमें हुआ, ये स्टेटमेंट सभी है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाई लिखा जाता है, बिल्कुल गलत दोस्तों, हमेशा अभिकारक बाएं और रिएक्टेंट उत्पाद जो होते हैं प्रोडक्ट वो दाई तरफ, बाई तरफ होते हैं। तो इधर LHS और RHS का कॉन्सेप्ट ये है कि अभिकारक जो होते हैं रिएक्टेंट वो होते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट कहां होते हैं, राइट हैंड साइड। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। एरो की दिशा उत्पाद की ओर होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, कि अगर रिएक्टेंट से हम इसको अगर ऐसे दिखाएंगे तो बताया जाएगा रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, और यह होने वाली दिशा को दर्शाता है, सही है। उत्पाद के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, तो ये गलत है, अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, मतलब सही है एक और तीन, और उसे देखते हैं साथ आप उसे टिक लगा दीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत सिंपल है दोस्तों, कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, और कॉन्सेप्ट आपको जितना बेहतर करना है उतना करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे ही हमारे प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलन के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वैल्यू की मात्रा समान होनी चाहिए, यानी रिएक्टेंट, अभिकारक और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जितने अभिकारक है उतने उत्पाद में मात्रा बराबर होगी, तो वो क्या होंगे, संतुलित होंगे। अब देखिए क्या है, यहां ZnH2SO4 है, यहां पे भी आपकी मात्रा समान है तो ये संतुलित है, यहां फेरस और जल है, रिएक्ट कर क्या बना रहे हैं आपका मैग्नेटाइट, ये आपका इक्वेशन बैलेंस है क्या, नहीं, यहां पर Fe3O4 है तो ये बैलेंस नहीं है, तो यही आंसर होगा। यहां पे भी आप देखो कार्बन की एक मात्रा है, एक मात्रा हाइड्रोजन, 4, 3, 1, 4 ऑक्सीजन, ये भी संतुलित है ना, इसमें भी संतुलित है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहां पे भी आप देखेंगे तो संतुलन है, ये तो प्रकाश संश्लेषण में पढ़ते हैं, तो जहां संतुलन नहीं है वो कौन सा है आपका, बी। तो जहां इक्वेशन में उत्पाद और अभिकारक की मात्रा समान ना हो वो इक्वेशन या समीकरण संतुलित नहीं होता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आपको पता है किसी भी चीज के जलन पर हमको देखेंगे तो मैग्नीशियम के रिबन कार्बन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ऐसा जैसा आपने पिछले क्लास में कहा था सर कि कथनी करने वाले क्वेश्चन लाइए जो एग्जाम में आते हैं, तो देखिए हमने बदलते स्वरूप के आधार पर पुस्तक में भी ये प्रश्न शामिल किए हैं। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो मार्केट में जाइए, बुक परचेस करिए और जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। ऑब्जेक्टिव से यह होता है कि आपको पता चलता है कि आपके टॉपिक की तैयारी कैसे हुई है, किस पॉइंट को हमको और विशेष ध्यान देना है या उस पर हम और क्या नया कर सकते हैं। चलिए देखते हैं
वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, यह कथन है। कारण क्या दिया जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जो जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। बिल्कुल दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है और इसको साफ करने का कारण भी आपको स्पष्ट बताया जा रहा है, मतलब दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या करता है। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नया क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मैग्नीशियम एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलकर क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहला प्रश्न दोस्तों हमने पढ़ा था, एक पाउडर जैसा उत्पाद बनता है, कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग है, तो वह जब जलता है तो वहां कौन सा रंग उत्पन्न होता है, दूधिया सफेद। देखिए कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं और यह सबसे बेहतर तैयारी करने का तो है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप हमारे बुक्स में वो सभी प्रश्न देख सकते हैं, है ना। तो अगर आप तैयारी और अपनी बेहतर करना चाहते हैं तो एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट बना लिया है तो आप जाइए मार्केट में, बुक्स देखिए, ऑब्जेक्टिव की परचेस करिए और क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए हम हैं, हम आपके पास ऐसे सभी प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे। और अगर आपसे फिर भी क्वेश्चन ना बने तो आप प्रयोगशाला परिचारक की जो अभी हमारी लेटेस्ट बुक्स हैं वो परचेस करके अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर कर सकते हैं। दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो वहां से बैठकर भी हमारे बुक के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को सुधार सकते हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए हम यहां बैठे हैं जहां पर आपको संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग कहां किया जाता है, आतिशबाजी में चमकदार सफेद रोशनी में होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिट्टी और भूजल उपचार, अवशिष्ट जल उपचार, वायु उत्सर्जन के उपचार में भी करते हैं और एंटासिड यानी आपको एंटा भस्म के रूप में भी किया जाता है, मतलब सभी सही है और ये सभी इसके कार्य हो गए। तो ये चीज भी ध्यान रखिए कि आपको एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्नों के बारे में जानकारी मिल जाती है। यहां देखिए दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन जल रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें दो जो तत्व है जुड़ करके एक भारी तत्व बना रहे हैं तो यहां पे जोड़ने की क्रिया हो रही है, तो कौन सी क्रिया हो रही है, संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन में अणुओं का आदान प्रदान होता है, वियोजन में टूटते हैं, द्विविस्थापन में आपका बराबर मात्रा में अणुओं का हस्तांतरण होता है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। देखिए ऐसी अभिक्रिया, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद, है ना, दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ तत्व संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये कौन सी प्रक्रिया है। तो अभी हमने पिछला प्रश्न ही पढ़ा है दोस्तों कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में जोड़ करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, वो कौन सी प्रक्रिया थी, संयोजन। तो दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट आपस में जोड़ करके जब एकल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और ऐसे प्रश्न अभिक्रिया के अंतर्गत पूछे जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के टॉपिक से। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, आपको देखना इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। पानी का जमकर बर्फ बनना, ये रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है। तो पानी का जमकर बर्फ बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, खाना के पकने पर नया पदार्थ बनता है अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन है ना होगा। ठीक है, मोमबत्ती के जलने से भी नया पदार्थ बनेगा और दूध से दही बनने पर भी नया पदार्थ बनता है। बस याद रखिए उदाहरण नहीं है, जहां नया पदार्थ नहीं बन रहा तो कहां नहीं बन रहा, पानी का जमकर बर्फ बनने से कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है दोस्तों। कौन सा एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, शोषी मतलब अवशोषित, क्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक रिलीज कर रहा हो, उत्सर्जित कर रहा हो, किसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो प्राकृतिक गैस के दहन से या कोयले के दहन से। तो आप जानते हैं कोयले के दहन से अपार मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इसी का उपयोग हम कहां करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में। तो ये चीज हमारा या थर्मल पावर प्लांट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया। तो देखिए एक बड़ा आलू टूट रहा है छोटे छोटे में तो वहां पर डिस्प्यूट हो रहा है, तो वियोजन की अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया, जुड़ते तो संयोजन, टूटते तो वियोजन। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होते हैं, एक का दूसरे में परिवर्तन, रिडॉक्स में ऑक्सीकरण अपचयन। मतलब सिंपल सा प्रक्रिया है, क्वेश्चन देख के आप बता सकते हैं। देखिए वियोजन से एक और प्रश्न, वियोजन या डी नहीं, आपका टूटने की अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण नहीं है जहां पे वो नहीं टूट रहे हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे है, सिल्वर क्लोराइड टूट के सिल्वर और क्लोरीन बना रहा है, फेरा सल्फेट भी टूट करके फेरा ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड, ये बता रहा है। यहां पे देखिए यहां पे आपका क्या हो रहा है, यहां पे आपका वियोजन अभिक्रिया नहीं हो रही। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, क्योंकि यहां पे वियोजन की अभिक्रिया नहीं हो रही, यहां पे आपका देख रहे हो तो अणुओं का विस्थापन हो रहा है। ठीक है दोस्तों,
वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, इसे हम बोलते हैं कौन से अभिक्रिया दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन कैसा होता है, आयनों का आदान प्रदान दोनों तरफ से हो रहा है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया में एक का होता है दोनों तरफ से हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ये आपका नेक्स्ट प्रश्न हो गया दोस्तों। सिंपल सिंपल से प्रश्न आते हैं, ज्यादा समय टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं होते, समय लिया नहीं जाता, सिंपल से प्रश्न होते हैं इस टॉपिक से और जितने प्रश्न हैं वो आसानी से बन जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके देखिए आयनों का इधर उधर हस्तांतरण करें, कौन सी प्रक्रिया है। तो देखिए सोडियम किससे रिएक्ट किया, क्लोरीन से, बेरियम किससे किया आपका, सल्फेट से, तो क्या होगा यहां पे, द्विविस्थापनीय अभिक्रिया। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, जिसमें आप देख रहे हो इक्वेशन कोई सा भी हो, एक्स वाई जेड जो भी लीजिए, अगर एक्स वाई प्लस जेड आप बोल सकते हो ए रिएक्ट करे, एक्स ए के साथ जा रहा है और जेड वाई के साथ दोनों तरफ से स्थानांतरण हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापनीय अभिक्रिया। इक्वेशन आपसे कुछ भी पूछा जाए आप बस अपने कॉन्सेप्ट में रहिए और कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न का हल करिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व तो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, यही एक परिभाषा होती है विस्थापन अभिक्रिया की। किसकी, विस्थापन अभिक्रिया की, जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करते हैं। और याद होगा दोस्तों इसके लिए हम पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है। देखिए ये प्रश्न बहुत काम आते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर हमने तत्वों को कितने भाग में बांटा गया है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर तत्वों को हम देखेंगे, देखिए 17 तक हो गए हमारे क्वेश्चन, तो रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर तत्वों को बांटा गया है तीन भागों में, कितने भागों में दोस्तों, तीन भाग में। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर तत्व कितने भाग में बांटे गए, तीन, एक होता है अधिक क्रियाशील, दूसरे होते हैं मध्यम क्रियाशील और तीसरे होते हैं निम्न क्रियाशील। तो दोस्तों सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज से प्रश्न बनता ही है और बहुत सिंपल सिंपल से प्रश्न भी इससे हमने देखा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज भी आपका अभिक्रिया के अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत हमने तीन तरह से तत्वों को बांटा है, एक होता है अधिक क्रियाशील, दूसरा होता है मध्यम क्रियाशील और तीसरा होता है आपका निम्न क्रियाशील। तो कितने स्टेप में बांट दिए, तीन, और तीनों में हम पांच पांच बांटेंगे। अधिक क्रियाशील हाई रिएक्टिविटी में देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है पोटेशियम की, किसकी होती है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद हम देखें दोस्तों तो ये होता है सोडियम, पर हम अधिकांशतः सोडियम को रख देते हैं जो सिक्वेंस गलत हो जाता है, पोटेशियम के बाद क्या है, सोडियम। सोडियम के बाद हम देखें दोस्तों तो क्या मिलेगा, कैल्शियम, नोट कर लेंगे दोस्तों, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। कितनी हो गई हमारी, हमारी पांच आपकी श्रृंखला हो गई जो अधिक क्रियाशील धातुओं के बारे में बताती है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, हो गए ना पांच अधिक क्रियाशील। दूसरा आपका शुरुआत होता है जिंक से, किससे होता है, जिंक। फिर आपका आता है आयरन दोस्तों, क्या होगा, आयरन, नोट कर लेंगे। इससे सिंपल सा प्रश्न पूछा अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है या क्रियाशीलता के आधार पर इक्वेशन को बैलेंस करने, जिंक आयरन। इसके बाद आएगा दोस्तों आपका टीन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, कितने हो गए इसमें भी, पांच तत्व। हाइड्रोजन के बाद हम चलें तो यहां से शुरुआत होती है निम्न की, कॉपर, कॉपर के बाद आप पढ़ोगे मरकरी या पारा, और पारा के बाद आता है आपका सिल्वर, और सिल्वर के बाद आपका आता है प्लैटिनम, और प्लैटिनम के बाद आता है आपका गोल्ड। कितने हो गए दोस्तों, टोटल 15 एलिमेंट है जिसको हमने रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज किया है सक्रियता श्रेणी में। अब दोस्तों बात यह आती है कि इसको हम याद कैसे करें, तो चलिए इसकी भी आपकी समस्या का समाधान करते हैं। तो इसमें कहानी समझ लीजिए, क्या कहानी है कि कैटरीना ने क्या की, कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी कार मांगी, तो देखिए कैटरीना ने पोटेशियम, ने से सोडियम, कार से कैल्शियम, मांगी से मैग्नीशियम। कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना से पोटेशियम, ने से सोडियम, कार से कैल्शियम, मांगी से मैग्नीशियम। अब शुरुआत करते हैं लो बजट, आल्टो से एल्यूमिनियम, है ना, मांगी से है ना, कार मांगी आल्टो, एक सेकेंड दोस्तों, है ना, आल्टो के बाद वो मांगी जैन, कौन सी गाड़ी मांगी, मारुति सुजुकी जैन, जैन से जिंक। अब थोड़ा समझ में आया कि स्टार्टअप मिल गया है तो कौन सी गाड़ी मांगी, फरारी, कौन सी गाड़ी,
फरारी। तो पहले मांगी थी दोस्तों लो बजट आल्टो, नहीं मिली तो क्या मांगी, जैन, जैन से फरारी। और सभी गाड़ी है टीन का डब्बा। अब कहानी पलटती है, अब उनकी पिक्चर चल निकली, अब मांगती है वो। अब देखो जब पिक्चर चल निकली तो क्या हुआ, फिर हुआ क्या, फिर से कौन सी गाड़ी आएगी, फिर से लेड, हुआ से हाइड्रोजन, क्या से कॉपर, मिली, मिली से मरकरी, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। कौन सी गाड़ी मिल गई दोस्तों, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। और इस तरह से आप सभी तत्वों को उनके निश्चित क्रम में याद कर सकते हैं, कैटरीना से पोटेशियम, ने से सोडियम, कार से कैल्शियम, मांगी से मैग्नीशियम। कौन सी गाड़ी, आल्टो से एल्यूमिनियम, जैन से जिंक, फरारी से आयरन, फिर से आपका टीन, फिर से लेड, हुआ से हाइड्रोजन, क्या से कॉपर, मिली से मरकरी, सिल्वर से सिल्वर, प्लेटेड से प्लैटिनम, और ऑडी से गोल्ड। तो ऐसे प्रश्नों पर देखिए बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, और अगर आप ये ट्रिक समझ गए तो आप इसके आधार पर बहुत सारे प्रश्न बना पाएंगे। और इसमें याद रखिए अधिक क्रियाशील धातु हमेशा निम्न क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। तो हमारा शायद दोस्तों 17 तक प्रश्न हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अभिक्रिया को तोड़कर प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। आप पहले ही पढ़ चुके दोस्तों कौन कौन से अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो हमने 5 चीजें पढ़ी थी। पहला सांद्रण कल की क्लास में ही, दूसरा ताप, तीसरा दाब, चौथा उत्प्रेरक कैटालिस्ट, और पांचवा पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। इतनी चीजें थी। तो इसमें देखिए ताप भी दिया है, उत्प्रेरक दिया है, सांद्रता दिया, और उपरोक्त सभी, तो सभी के सभी लिख लीजिए। हम पांचों को नोट कर चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट और सरफेस एरिया सभी के सभी केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। कौन सा एक युग्म असत्य है, असत्य याद रखे दोस्तों, सत्य और असत्य या है या नहीं है को हमको विशेष तौर पर ध्यान देना है, कि हम कई बार ऐसे प्रश्नों पर गलतियां करते हैं। अब उपचयन अभिक्रिया, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि को होती है, बिल्कुल। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। अपचयित और अपचयित अपचयित हो गया दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। अपचयित और अपचयन वाला, उपचयन वाला कॉन्सेप्ट था, तो यहां पे आप देखोगे तो यहां ये गलतियां हैं। तो थोड़ा सा कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए दोस्तों तो हमको सुधार कर लेना है, ये थोड़ी हमारी समझ की सूझबूझ है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। अपचयित और दूसरा अपचयित है, उपचयित होना चाहिए, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया साथ होती है ना दोस्तों। तो याद रखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा, एक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन होगा, इसीलिए ये प्रश्न आपको सिंपली यहीं से मिल जाएंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया अथवा वायुमंडलीय परिवर्तन के फलस्वरूप किसी धातु की सतह पर अनयौगिक का बनना, जिसमें धीरे धीरे धातु नष्ट होते हैं। तो यह पता है लोहे पर जंग लगना, जिसमें धातु की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, इसको हम बोलते हैं संक्षारण यानी कोरोजन। विकृत गंधिता मतलब अलग प्रकार की गंध आ रही, और क्षेपण मतलब वो परिष्कृत होकर अलग हो रहा है ना। संक्षारण में क्या होता है, उस धातु की क्रियाशीलता कम हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। धातु संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं, कोरोजन से बचाने के लिए हम उस पर पॉलिश करते हैं पेंट की, बिल्कुल। तेल या ग्रीस लगाकर भी सुरक्षित कर सकते हैं। जस्ते की परत चढ़ाएंगे, इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है दोस्तों, क्या बोलते हैं हम इसको, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। और तो ये सभी प्रक्रिया से हम उसे सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका संबंध संक्षारण से है, तो तांबे पर भारी परत चढ़ना भी संक्षारण है, लोहे पर ऑक्सीजन और नमी के कारण जंग लगना भी संक्षारण है, सल्फर ग्रह चांदी पर काली परत चढ़ना भी संक्षारण है, अर्थात सभी के सभी एग्जाम्पल है संक्षारण यानी कोरोजन के। विकृत गंधिता मतलब एक विशेष प्रकार की गंध जो हमारे अनुकूल ना हो। सोने के चांदी के गहनों का काले होने से कोई विशेष प्रकार की गंध नहीं आती दोस्तों। तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थों के स्वाद एवं गंध परिवर्तन होता है, तो एक विकृत गंध आती है, बिल्कुल दोस्तों। ये उदाहरण हो गया है ना, गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब भी आप किसी खाद्य पदार्थ को तलते हो देखते हो उसमें विशेष प्रकार की गंध आती है, और इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। किस प्रक्रिया के अंतर्गत है, तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके स्वाद में परिवर्तन दिखता है। तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं, घटना क्या करेगी दोस्तों, तो ये होता है स्वाद बदल रहा है तो और उसमें सुगंध बदल रही है, तो विकृत गंधिता, इसी को हम बोलते हैं रेडिसिटी। क्या बोलते हैं, रेडिसिटी। विकृत गंधिता के प्रभाव को निम्नलिखित तरीके से रोका जा सकता है, क्या करेंगे इसमें, तो प्रतिऑक्सीकारक मिला देते हैं जिससे वो रिएक्ट ना कर पाए ऑक्सीजन से, वायुरोधी बर्तन में रख दिए फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा,
नाइट्रोजन गैस के उपयोग से भी उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे आप चिप्स के पैकेट में देखते हो, अर्थात सभी प्रक्रिया के द्वारा हम उसे बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल सिंपल से प्रश्न है, इससे समय नहीं लग रहा, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे प्रश्नों को हम सामान्यतः आसानी से बना पा रहे हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए फिर से ऐसे ही प्रश्न आ गए, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो उसमें क्या करना होता है, तो उपचयन को सड़ने से बचाने के लिए, उसकी गति को धीमी करने के लिए, ताकि उसे हम लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकें। दोस्तों बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों पर हम ज्यादा समय नहीं ले सकते। किस अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है? दोस्तों ये प्रश्न मैंने पहले ही बताया है, हम रेडॉक्स रिएक्शन का नाम पहले ही सुन चुके हैं, तो सीधे सी बात है योगात्मक अभिक्रिया में जोड़ते हैं, विस्थापन में एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, वियोजन में टूटते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, पहले वीडियो में मैंने बताया था। दोस्तों इसकी दो परिभाषा थी, आप कंफ्यूज होते हो, पुरानी अभिधारणा थी ऑक्सीजन को लेकर के और नवीन विचारधारा है इलेक्ट्रॉन को लेकर के, पर कभी कभी हम होता है किसी बुक को रेफरेंस में ले लेते हैं, दोस्तों हम एक ही कॉन्सेप्ट समझते हैं, नहीं हमें स्टैंडर्ड की बुक पढ़ना है, हमको नवीन और प्राचीन दोनों विचारधारा को समझना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पानी का जमकर बर्फ बनना कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वही है आपका अवस्था बस बदल रही है, चीनी का पानी में घुलना उसमें वही है, उर्ध्वपातन सबलिमेशन में भी क्या होता है वाष्प बनकर उड़ रहा है, मतलब अवस्था में परिवर्तन मतलब अपनी स्टेट बदल रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, पर भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, और दहन में क्या होता है नया पदार्थ बनता है, तो ये कौन सा उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन, अलग हो गया। इलेक्ट्रॉनिकरण का संबंध किससे है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकरण। ये सिंपल सा फैक्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें करना ही क्या है, पढ़े आंसर मिला टिक कर दिए, ठीक है दोस्तों, है ना। देखिए यहां पे याद रखिएगा, अपचयन अभिक्रिया में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, अपचयन है ना, तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपको आंसर क्या मिल रहा है दोस्तों, कि धनात्मक संयोजकता बढ़ती है और ऋणात्मक संयोजकता घटती है, ये आपका स्टैटिक्स है कि अपचयन में क्या होता है धनात्मक संयोजकता बढ़ेगी और ऋणात्मक घटेगी, सही होगा। तो ए और बी सिमिलर प्रश्न है दोस्तों, दो बार आया है, तो ऐसे प्रश्नों पर आप गलतियां करेंगे नहीं। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, वहां ऑक्सीकरण में था किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो धनात्मक संयोजकता घटती है और ऋणात्मक बढ़ती है, यहां देखेंगे तो यहां ऑक्सीकरण है, तो यहां धनात्मक क्या होगी, तो यहां पे धनात्मक संयोजकता बढ़ेगी ऋणात्मक घटेगी और विलगित इलेक्ट्रॉनों की बराबर होती है, अर्थात सभी के सभी सही है। ऊर्जा अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक्सोथर्मिक ऊष्मा को अवशोषित करें, एंडो और एक्सो समझते हैं दोस्तों, ऊष्मा कहा गया उष्मा शोषी में अवशोषित होती है और उष्मा छेपी में उत्सर्जित होती है, और इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। उत्सर्जित होती है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न वही आ गया, अवशोषित हुई तो उष्मा शोषी, उत्सर्जित हुई तो उष्मा छेपी, देखिए कहां है, बी में। एक प्रश्न के आधार पर हम कितने प्रश्न कर पा रहे हैं दोस्तों, ये एग्जाम का तैयारी करने का एक बेहतर तरीका है, और ऐसे प्रश्नों पर हम गलतियां नहीं करेंगे। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो कल ही के वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस पर ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है, तो यहां क्या होगा, बढ़ेगी। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर क्या होती है, दुगुनी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसी वीडियो को देखिए, और उसके आधार पर आप यहां पर आसानी से प्रश्न बना सकते हैं। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, जब अभिकारक की मात्रा बढ़ाओगे तो उत्पाद भी तो बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आप 1 किलोग्राम शक्कर और 1 लीटर पानी मिला रहे थे, अब 1 किलोग्राम की जगह 2 किलोग्राम शक्कर ले आइए और 2 लीटर पानी, तो आपका अभिकारक की मात्रा बढ़ा दो तो उत्पाद की मात्रा भी क्या होगी, अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। समझ में आया दोस्तों, ये सिंपल सा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट बेस है, और ऐसे प्रश्नों पर हम गलतियां नहीं कर सकते, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, वी इलेक्ट्रॉनिकरण, अभी हम पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिकरण कौन सी अभिक्रिया है, तो यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, अभी पहले पढ़े। इलेक्ट्रॉनिकरण किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिकरण है अपचयन और वी इलेक्ट्रॉनिकरण है ऑक्सीकरण, ये दोनों नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमारे वीडियो टाइम में मिल जाएंगे, जो क्लासेस होती है उसमें हम पर्टिकुलर आपको ये सब टॉपिक्स में डील करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो स्वयं किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है, तो वो कहलाता है उत्प्रेरक या कैटालिस्ट, है ना। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, पर ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं, पर स्वयं अपरिवर्तित, ठीक है दोस्तों, ये अभिक्रिया की शुरुआत नहीं कर सकते, ये उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट की डेफिनेशन है।
चलिए नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे वो किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो उसके तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तो इसी को बोलते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब हम परमाणु संरचना पढ़े थे दोस्तों तो वो वीडियो में देखिएगा कि हमने पढ़ा था उसमें पांच सिद्धांत, उसमें पहला सिद्धांत था लेवोजियर और प्रॉस्ट का रासायनिक संयोजन का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम। तो वही स्थिर अनुपात के नियम से ये प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप अगर वीडियो देखते जा रहे हैं दोस्तों, एक श्रृंखला से जुड़ रहे हैं, तो आप हमारे सभी प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। जब दो गैस एक नियत ताप और दाब पर रासायनिक संयोग करते हैं तो उनके अभिकारक किस अनुपात में रहते हैं, तो वो सरल अनुपात में रहते हैं। द्रव की अनिश्चितता का नियम तो याद रखिएगा दोस्तों, ये लोमोनोसोव ने दिया था, ये सिंपल सा स्टैटिक क्वेश्चन है। द्रव की अविनाशिता का नियम कि पदार्थों को कभी हम विनाश नहीं कर सकते, वो परिवर्तित होते रहते हैं। इन प्रश्नों के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों में दोस्तों। ये प्रश्न थोड़ा सा आप देखते हो मैच द कॉलम, कथनी करनी और मैच द कॉलम वाले प्रश्न में हमको थोड़ी दिक्कत होती है। देखो विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, किसकी बात करें दोस्तों, विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे, विलयन यानी सॉल्यूशन, विलायक यानी सॉल्वेंट और विलय यानी सॉल्यूट, है ना। चलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो भौतिक दृष्टि से पृथक्करण वाले यौगिक या तत्वों का मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। विलयन क्या होते हैं, तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलायक जिनकी मात्रा अधिक होती है, विलय जिनकी मात्रा कम होती है। अब देख लिए तो ये दूसरे घटक में मिलता है और घुला रहता है, तो यहां पे आपको कौन सा दिख रहा है दोस्तों, विलायक वह घटक जो दूसरे घटक में मिलता है, विलायक जो अपने आप में घुलेगा जिसकी मात्रा ज्यादा है, विलय जो घुल जाएगा इसकी मात्रा क्या होती है, कम। तो आंसर मिल गया दोस्तों, विलयन की प्रकृति कैसी होती है, तो विलयन ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एरोसॉल में, ठीक है, टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, एरोसॉल है ना, सॉल ये जो भी चीजें होती हैं, टिंडल इफेक्ट, पायस ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें तीनों प्रकार के विलयन मिलते हैं दोस्तों, अर्थात इसका आंसर है सभी, क्या होगा, सभी। मिश्र धातु से संबंधित असत्य कथन क्या है, देखिए दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, मिश्र धातु यानी एलॉय क्या है, तो ये देखेंगे, ये धातुओं के विषमांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक किया जा सकता है, यही मिश्र धातु है ना, विषमांगी मिश्रण या समांगी मिश्रण। तो असत्य कथन देखिएगा, तो धातुओं को, मिश्र धातु को जब हम समान अनुपात में मिलाते हैं तब बनता है मिश्र धातु। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों, ब्रास कांसा है ना, ठीक है, कांसा क्या होता है, कॉपर और आपका जिंक का मिश्रण है, पर अगर आपको ब्रास की जगह अगर इसमें हम अगर बात करें तो कॉपर कितना होता है इसमें दोस्तों, तो इसमें सबका देखेंगे तो इसमें परसेंटेज फिक्स है 70-30, अगर आप इसको 80-20 कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका बेल मेटल, क्या बनता है ये आपका कॉप, 80 और 20% मिलाने पर ये बनेगा, जर्मन ने डेल्टा गन बनाई थी, तो इसको बोलते हैं हम डच धातु, क्या बोलते हैं, डच धातु। तो मिश्रण समान होना चाहिए, तो विषमांगी मिश्रण यहीं पे गलत है दोस्तों, तो हमको यहीं पे मिल गया। इन्हें मिश्रण माना जाता है क्योंकि अपने घटकों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, सही है। पीतल एक मिश्र धातु है, देखिए आ गया पीतल, जो जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है आप वही देख रहे हो, और पीतल में जिंक और कॉपर कम से 30 और 70 में होते हैं, ये चीज मैंने बताया। अगर यहीं पे अगर आप ले लोगे इसको है ना 20 और 80, तो ये बन जाएगा डच धातु, क्या बन जाएगा, डच धातु, अर्थात ये कौन सा मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण होते, विषमांगी मिश्रण नहीं होते। क्रमशः विलयन, विलय और विलायक के उचित उदाहरण कौन से हैं, देखिए दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां देखेंगे शरबत, जल और चीनी घुल जाएंगे, शरबत जो जल और चीनी का होता है, सोडा जल में जल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, टिंचर आयोडीन में अल्कोहल और आयोडीन होते हैं, वायु में नाइट्रोजन वन गैस होता है, इस प्रकार सभी इसके सही व्याख्या करते हैं। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और आज का अंतिम प्रश्न क्या है, देखिए विलयन के प्रमुख गुण क्या है, विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण है, बिल्कुल समांगी मिश्रण है ना, कण का व्यास 1 मिलीमीटर होता है, यह भी सही है, बस विषमांगी मिश्रण नहीं हो सकता, यह मैंने आपको पहले बताया, स्थायी प्रकृति होती है, तो इसमें आप देखेंगे 1, 3 और 4 जहां भी है वहां टिक लगा दिए। अब आप देखिए दोस्तों 50 प्रश्न में आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं, अगर फिर भी नहीं बना पा रहे तो सुधार की आवश्यकता है, और सुधार करने के लिए अपने परीक्षा की तैयारी की जांच करने के लिए आप जाइए और इसकी बुक्स जो हमारी मार्केट में मिलती है उन्हें देखिए, तो ऑब्जेक्टिव बुक्स को सॉल्व करिए,
इससे आपको पता लगेगा दोस्तों कि आपने क्या तैयारी की है, आपकी तैयारी किस दिशा में है, सही है या नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप बना पा रहे हैं मतलब आपकी तैयारी सही है, और नहीं बना पा रहे तो आप सब्जेक्टिव बुक को लीजिए और अपनी तैयारी में अभी भी सुधार करके आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने लगे। तो परीक्षा भले आप देखेंगे दोस्तों तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देना है, पर जब तक आप सब्जेक्टिव चीजों पर कमांड नहीं करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बनेंगे। अब इसी प्रश्नों की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों, पर आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए ताकि हम भी आपके साथ ऐसे जुड़े रहें और उत्साह पूर्वक आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रश्न के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी का धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, चलिए।